पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में डीएम कार्यालय के सामने अपने खून से प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन लिखकर सफाई कर्मचारी संघ से जुड़े दर्जनों कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इन कर्मचारियों ने प्रदेश की योगी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो वो लखनऊ में विधानसभा के सामने भी अपना खून बहाने से पीछे नहीं हटेंगे और आगामी 2022 के विधानसभा में भाजपा सरकार को सबक सिखा देंगे। दरअसल इन कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक विरोध प्रदर्शन किया और अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी कुछ अलग ढंग से डीएम कार्यालय के ठीक सामने बैठकर लिख दिया। पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी मांगे एक ज्ञापन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक कुछ अलग ढंग से पहुंचाने का प्रयास किया। इन कर्मचारियों ने अपने खून से अपनी मांगे लिखकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और भाजपा की प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दी है। मांग हमारी पुरानी पेंशन है, बहाली पुरानी पेंशन बहाल की जाए, इसलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधान पंचायत राज मंत्री को और प्रमुख सचिव को हम अपने खून से लेटर लिख के भेज रहे हैं कि हमारा जो मांगे हैं ये पूरी कर दी जाएं। हमारी 5 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें पहली मांग तो पुरानी पेंशन की है, दूसरी सेवा नियमावली बनाई जाए, हमारे पदोन्नति करी जाए, हमारे जो नाम है पद नाम में परिवर्तन किया जाए, पंचायत सेवक हमारा नाम किया जाए। हम ये मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, इनको सबको हम अपना ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। यह हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, यह हमारा अधिकार है। बुढ़ापे की लाठी हमारी छीन ली गई है, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लाठी हमारी वापसी दे दी जाए। किसके साथ जाएंगे इस बार आप? अगर हमारी जो हमारी मांगे सुनेगा, हम उसके साथ जाएंगे। और हम ये भी कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 2022 का चुनाव सर पर है, 2022 का चुनाव सर पर है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। 2 मिनट में पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।